सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। अब क्या आता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आता है। इसको हम और क्या बोलते हैं? सोडियम डाइसल्फाइट बोलते हैं या फिर सोडियम पाइरोसल्फाइट भी बोलते हैं। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ केमिकल फॉर्मूला Na2H2O5। इसका क्या फॉर्मूला होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का? नेक्स्ट, द सब्सटेंस इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज डाइसोडियम मेटाबाइसल्फाइट, क्योंकि इसके पास दो सोडियम है, Na2 है, तो ये क्या डाइसोडियम मेटाबाइसल्फाइट भी कई बार इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ये डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज होता है और प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के जैसे भी ये यूज किया जाता है। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला Na2H2O5 होता है और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 190.10 ग्राम पर मोल होता है। इसका मॉलिकुलर वेट, एक मोल का वेट इसका 190.10 ग्राम होता है। नेक्स्ट, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सैचुरेटिंग हॉट कंसेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन विद SO2। क्या करते हैं हम? क्या जो NaOH का सॉल्यूशन है, हॉट कंसेंट्रेटेड सैचुरेटिंग हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, जब हम NaOH को क्या करते हैं कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं सैचुरेट करते हैं, तो क्या बनता है हमको? NaHSO3। ये क्या मिला हमको? अभी सोडियम बाइसल्फाइट मिला है। जब इस सोडियम बाइसल्फाइट को हम क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, SO2 के साथ जब की है तो यहाँ क्या सॉल्ट बना जो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है और उसके बाद क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। प्रिज्यूमली द बाइसल्फाइट NaHSO3 इज फर्स्ट फॉर्म्ड, पहले क्या बनता है NaHSO3 बनता है और उसके बाद क्या बीइंग अनस्टेबल, ये क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो इससे वाटर निकलता है, वाटर निकल जाता है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सेपरेट हो जाता है इसमें से। यहां पर अगर आप देखिए तो NaOH और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसने क्या किया, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना सोडियम बाइसल्फाइट बना। ये सोडियम बाइसल्फाइट अनस्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होता है, तो इससे क्या निकलता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और क्या मिला हमको सोडियम मेटाबाइसल्फाइट मिल जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हैं तो ये क्या है फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होता है और ग्लिसरॉल में, वाटर और ग्लिसरॉल में ये फ्रीली सॉल्युबल है। स्लाइटली सॉल्युबल है एल्कोहल में, एल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल है। द एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस, ये क्या है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है लेकिन लिटमस में, और लिटमस की अगर यहां बात आई तो लिटमस में हमने देखा था कि लिटमस अगर ये एसिडिक बता रहा है, लिटमस अगर इसको एसिडिक बता रहा है तो आप याद कीजिए लिटमस ने क्या किया होगा, ये अगर एसिड है और आपने क्या किया, ये लिटमस का पेपर था, लेट से लिटमस पेपर है, आपने इसको यहां डिप किया तो जितना पोर्शन डिप था वो जब आप बाहर निकालेंगे, लेट से यहां तक अगर डिप था तो इसका कलर क्या हो गया होगा। पहले एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, तो एसिड क्या करते थे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, डी से डी याद कीजिए, तो इसने भी क्या किया होगा, ये ब्लू कलर का लिटमस रहा होगा, इसने जितने पोर्शन में डिप हुआ था, जितने में एसिड लगा, जितने में ये क्या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट लगा होगा उसकी लिटमस पेपर की सरफेस में, उतने को इसने क्या कर दिया होगा, अब ये रेड हो गया होगा इतना पोर्शन और ऊपर वाला जिसपे नहीं लगा एसिड वो तो ब्लू होगा ही, तो ये क्या लिटमस टेस्ट में, लिटमस वाले में क्या बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन बनते हैं, दिखाते हैं कि एसिडिक है। इट अकर्स एज व्हाइट लाइट येलो क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर, ये व्हाइट लाइट येलो होते हैं या फिर व्हाइट होंगे या फिर लाइट येलो होंगे क्रिस्टल, और क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में क्या होते हैं होते हैं। इट हैज ऑर्डर ऑफ SO2, इसकी भी ऑर्डर क्या होगा, जो महक होगी वो क्या SO2 के ही जैसे होगी। इट हैज एसिडिक सलाइन टेस्ट, इनके अंदर जो टेस्ट होगा वो क्या एसिडिक सलाइन होगा, एसिडिक है तो सॉर भी होगा मीन्स, और सलाइन थोड़ा खट्टा वाला टेस्ट इनके अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो व्हेन डिसॉल्व इन लाइट वाटर, जब हम वाटर में इसको क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट इमीडिएटली कन्वर्टेड टू बाइसल्फाइट, ये क्या होते हैं बाइसल्फाइट में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने देखा था
कि क्या हो रहा था, पहले सोडियम जब NaOH को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करा रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे, तो वहां पे क्या सोडियम बाइसल्फाइड ही तो बन रहा था, पहले सोडियम बाइसल्फाइड ही बन रहा था। उस सोडियम बाइसल्फाइड से जब एक वाटर मॉलिक्यूल और निकलता था, दो सोडियम बाइसल्फाइड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता था, तो क्या बनता था, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड बन रहा था। तो जब आप सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में फिर से वाटर ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में जब वाटर ऐड कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। वही यहां देखिए, विच एक्वस एसिड यील्ड सल्फ्यूरस एसिड, और जब उसमें और क्या कराएंगे आप, HCl का एडिशन कराएंगे। इसी जब आप सोडियम बाइसल्फाइड में HCl किसी एसिड का एडिशन कराएंगे, HCl एसिड का, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन गया और साथ में क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अब ये सल्फ्यूरस एसिड हमने देखा था कि सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का ही सॉल्यूशन होता है। वाटर में जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, गैस या फिर पास करते हैं, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो वही अब सल्फ्यूरस एसिड यहाँ बन चुका है। तो ये सल्फ्यूरस एसिड यहाँ क्या करेगा, वाटर और SO2 में आपस में कन्वर्ट होता रहेगा बार बार, कभी एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा, कभी उसमें वाटर एयर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होकर के सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा उसी वाटर में। नेक्स्ट प्यूरिटी टेस्ट, इसकी प्यूरिटी के टेस्ट की बात करें अगर, तो फॉर प्यूरिटी टेस्ट ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये ना, तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की अगर प्यूरिटी टेस्ट की बात करें, किसकी प्यूरिटी हम देखना है, किसमें क्या क्या इम्प्यूरिटीज में हो सकती है, तो प्रेजेंस ऑफ थायोसल्फेट, क्या क्या थायोसल्फेट अगर इसमें प्रेजेंट है, तो थायोसल्फेट की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ थायोसल्फेट इज इंडिकेटेड बाई एन ओपेलसेंस, क्या ओपेलसेंस और टर्बिडिटी, उसी टर्बिडिटी या फिर ओपेलसेंस, मतलब जिससे आर पार ना दिख सके, ओके तो उसी क्या टर्बिडिटी, व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को H2SO4 का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ही सिर्फ है तो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी, अगर उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के साथ साथ में थायोसल्फेट्स भी प्रेजेंट हैं तो वहां पे क्या उस रिएक्शन में सल्फर आ जाएगा, उसको हीट करने पे सल्फर उस रिएक्शन में आएगा, उस एक्वस सॉल्यूशन में सल्फर आ जाएगा, जिसके कारण वहां पे क्या टर्बिडिटी आ जाएगी और वो ओपेलसेंस, मतलब क्या अब आर पार आप उसको नहीं देख पाएंगे सॉल्यूशन को, थोड़ा वो क्या गंदा सा हो जाएगा, उसमें आपको व्हाइटिश या फिर ब्राउनिश जैसा कुछ दिखने लगेगा, उसमें वो ब्राउन या व्हाइटिश किस वजह से आया, क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट है, उसमें क्या हुआ सल्फर आ गई है थायोसल्फेट के होने की वजह से। तो उसी की प्योरिटी टेस्टिंग यहां हम करते हैं। अब इन कॉन्ट्रास्ट मेटल, अच्छा जब हमने क्या थायोसल्फाइड था तो हमने हीट किया तो सल्फर आ गया, तो उसमें क्या टर्बिडिटी आ गई, लेकिन अगर प्योर उसमें क्या होता सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता तो उसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी और वो क्या होगा, वो हीट करने के बाद भी उसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी, ओपेलसेंस नहीं होगा, तो बार बार आप उसमें आराम से देख सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि उसको क्या मेटाबाइसल्फाइड अगर उसमें नहीं है थायोसल्फेट और सिर्फ मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, उसको जब आप सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा जब आप HCl से ट्रीट कराओगे तो सिर्फ उसमें क्या सोडियम क्लोराइड मिलेगा और क्या मिलेगा वहां पे वाटर मिलेगा। यहां देखिए हम, ये था क्या एक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, इसमें आपने क्या किया HCl का एडिशन किया, इसमें आपने HCl एडिशन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बना आपका NaCl, यहाँ पे क्या आया NaCl बना और साथ में क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना और यहाँ क्या आया सल्फर आ गया और H2O आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सल्फर आया और H2O आ गया, तो ये सल्फर के कारण क्या हो गया टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हो गया। वहीं जब ये Na2H2O5 है वहां HCl से जब आपने ट्रीट कराया है, वहां जब आपने HCl से ट्रीट कराया है वहां पे क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, वहां पे क्या बनेगा सर वाटर बनेगा और H2O SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं यूजेस के बारे में इसके, तो इसके यूजेस की अगर बात करें तो क्या ये होता है, इट इज यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होता है एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज होता है। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे यूज करा जाएगा।
हीट है स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज, क्या करता है दूसरे को स्टेबल बनाता है, तो स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। इट इज यूज इन मॉर्फिन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन, ये क्या होता है एड्रेनलिन और मॉर्फिन के इंजेक्शन में भी इसको यूज किया जाता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। इट्स स्टोरेज अगर बात करें इट शुड बी स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक रीसीलेबल बैग्स, इसमें क्या होता है प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो कि रीसीलेबल हो, अगर एक बार खुले तो उसके बाद वो पैक किया जा सके, उन बैग्स में हम इसको क्या करते हैं उन्हीं बैग्स में इसको स्टोर करते हैं, अवे फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, इसको गर्म और क्या नम इन्वायरमेंट से दूर रखते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इट इज इनकम्पेटिबल विद हॉट एयर वाटर और एसिड, ये हॉट एयर वाटर और एसिड के साथ क्या है इनकम्पेटिबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट के बारे में, किसके बारे में हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट के बारे में देखते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट क्या है डाई सोडियम थायोसल्फेट भी इसको बोलते हैं, नेचुरल थायोसल्फेट बोलते हैं, एंटीक्लोर और सोडियम थायोल भी इसको बोलते हैं, इसके अदर नेम्स हैं। अब इसकी बात करें अगर तो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपो, इसको हम हाइपो भी बोलते हैं या फिर एंटीक्लोर भी बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, द नेम हाइपो वॉज गिवेन टू इट बाय इट्स डिस्कवरर, जिसने इसको डिस्कवर किया था उसने इसको हाइपो बोला था, क्यों, क्योंकि उनको लगा गलती से उनको लगा क्या उनको रॉन्ग थॉट आया कि ये सोडियम हाइपोसल्फेट है, उनको लगा कि ये सोडियम हाइपोसल्फेट है जबकि ऐसा नहीं था, ये क्या था सोडियम थायोसल्फेट था। ओके तो उसके बाद इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला Na2H2O3 होता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हाइड्रस फॉर्म में क्या .5H2O, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जब आप इसको क्या हीट रखेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में इसमें वाटर नहीं होगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा सिर्फ इसका Na2H2O3 होगा, वहां पे इसका फॉर्मूला किसका सोडियम थायोसल्फेट का। इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है तो हम बात करें 158.11 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट होता है। नेक्स्ट क्या बात करें इसका, अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं ये कैसे प्रिपेयर किए गए हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं पास कराते हैं तो क्या मिलता है आपको सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम क्या मिला सोडियम बाइसल्फेट मिलता है और साथ में क्या CO2 मिला, और जब ये सोडियम बाइसल्फाइड को, इस सोडियम बाइसल्फाइड को जो ऑब्टेन हुई है हमको उसको हम फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसको हम फिर से जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमको क्या दिया, इसने हमको दिया सोडियम, क्या दिया इसने हमको सोडियम सल्फाइड दिया इसने हमको, ओके इसने हमको क्या दिया सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड से अब हमको क्या मिला सोडियम सल्फाइड मिला, जब हमने क्या किया फिर से इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराया, अब इस सोडियम जो सल्फाइड मिली है इस सोडियम सल्फाइड को फिर से हम क्या करते हैं सल्फर पाउडर के साथ क्या करते हैं, एक ब्रिक लाइन स्ट्रक्चर होता है, ब्रिक लाइन क्या है ये देखिए ब्रिक लाइन कास्ट आयरन का वेसल होता है, एक आयरन वेसल होता है उसमें क्या करते हैं हम सल्फर का क्या करते हैं सल्फर पाउडर को हम पूरी तरह उसमें लगा देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं इसी जो सोडियम सल्फाइड मिला है हमको इस सोडियम सल्फाइड को उसी आयरन वेसल में हम उसको भी डालते हैं उसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है तो हमको थायोसल्फेट मिलता है, तो हमको क्या मिला सोडियम थायोसल्फेट यहां से मिलता है। ओके नेक्स्ट अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है इट अकर्स एज कोर्स का मतलब थोड़ा बड़े दाने हो उसमें बड़ा मॉलिक्यूल हो थोड़े बड़े बड़े साइज में हो, इट अकर्स एज कोर्स व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और मोनोक्लिनिक प्रिज्म का क्या मतलब है ये जो टोटल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये टोटल 7 होते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, 7 तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये मोनोक्लिनिक होते हैं। यहां अगर मोनोक्लिनिक की बात करें हम तो मोनोक्लिनिक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है लेट से जैसे कोई क्रिस्टल बना ये कुछ ऐसे होते हैं यहां पे क्या है देखिए ये कुछ ऐसे होते हैं ये जो साइड है ये इसको हम ए अगर लिखें इस साइड को ये जो बड़ी साइड है इसको हम अगर बी बोले
और ये जो लेंथ ऊपर है ये, इसको अगर हम सी बोलते हैं तो यहां ना तो ए बी के बराबर होगी, ए बी के बराबर भी नहीं है, और ये बी सी के बराबर भी नहीं है। मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये तीनों की ही साइज क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या होगा, कोई दो एंगल, जैसे ये जो ऊपर और ये जो नीचे से है एक ही तरफ वाली लाइन में जो ये आ रहा है इस फेस में, इसको अगर हम पहले ए सॉरी अल्फा डिनोट कर देते हैं, ये क्या है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री पे है, ये भी क्या है 90 डिग्री पे होगा। इसको अगर हम बीटा बोले तो इसमें क्या होगा, दो एंगल एक ही साइड एक ही जैसे होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इसमें क्या होंगे, इस क्रिस्टल में ऐसे ही ऐसे बहुत सारे ऐसे ही अरेंजमेंट होगा इसमें, इसके जो भी क्रिस्टल मतलब सिंगल स्ट्रक्चर एक ही जैसे यूनिट फॉर्म में हो, एक जैसे ब्रिक होती है आपका घरों की जो ईंट बनी है, ईंट देखिए तो आपको क्या है, एक ईंट अगर आप समझे, कोई एक दीवार को अगर आप पूरा स्ट्रक्चर मानते हैं और उसमें क्या एक सिंगल ब्रिक का ही तो रिपीटेशन हुआ है ना, तो उसकी जो लास्ट एक सिंगल आई चीज जिससे वो बना है तो क्या एक ब्रिक हुई। तो उस ब्रिक का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिक की भी साइज कैसी होती है, ऐसी होती है, उसकी तीनों साइड अगर आप देखें तो तीनों साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, लेकिन वहां पे एंगल एक होते हैं। तो यहाँ एंगल भी क्या है, दो साइड के एंगल एक है और तीसरा वाला अगर थोड़ा सा झुक जाए तो क्या वहां पे एंगल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर के होते हैं। इट इज ऑर्डरलेस, ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, महक नहीं होती है। विद कूलिंग बिटर टेस्ट, इसका कूलिंग बिटर टेस्ट होता है, मतलब ये ठंडा और कड़वे होते हैं टेस्ट में। इट इफ्लोरेसेस इन वार्म ड्राई एयर अबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ्लोरेसेस का मतलब क्या है, मतलब जब इसको आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर वार्म ड्राई एयर आप पास कराते हैं इससे, तो यहां पे क्या होता है, ये आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आप पास कोई लिक्विड है उसको आप फैला दीजिए फर्श पे, जब वो लिक्विड सूख जाता है तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाता है, वो कलर दे देते हैं व्हाइट कलर का, लेट से अगर पहले पानी था और बाद में क्या पानी सूख गया तो वहां पे हल्का कलर आ जाता है व्हाइट कलर का। वो क्यों आया, क्योंकि उस वाटर में या फिर उस सब्सटेंस में कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें जब उसको आपने वाटर उसमें या फिर जो भी सब्सटेंस था वो इवेपोरेट हो गया, पानी क्या हुआ या फिर उड़ गया, उसके बाद वहां पे क्या एक लेयर बन गई उस सॉल्ट की, वो क्योंकि वो सॉल्ट वहां पे रह गया था, वो क्या हुआ था, इवेपोरेट नहीं हुआ था। तो ऐसे क्या होते हैं, जैसे आप वाटर और नॉर्मल नमक जो होता है घरों में NaCl, इसका घोल बनाइए और उसको आप क्या कीजिए किसी फर्श पे डाल दीजिए और उसको सुखाइए, तो ऐसे तो सूखेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप छोड़ दीजिए दो तीन दिन छोड़ दीजिए, जब पानी उससे पूरा तरह उड़ जाएगा तो वहां पे व्हाइट व्हाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट वहां पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो सॉल्ट की होती है। तो ऐसे ये भी है, ये क्या होंगे, जब इनको आप किसी फर्श पे डाल देंगे और वहां पे ड्राई एयर पास कराएंगे 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो वहां पे क्या एक कलर बेड स्ट्रक्चर आ जाएगा, बेड जैसा फैल जाएगा वहां जहां जहां रहा होगा और वहां पे कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट डेलिक्विसेस लाइटली। जब किसी मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, वॉटर होते हैं, तो वहां पे क्या होंगे, ये डेलिक्विसेंट जैसे हो जाएंगे। डेलिक्विसेस मीन्स वही जो से लिक्विड को एब्जॉर्ब करके खुद लिक्विड बन जाना, खुद क्या हो जाना, आपस में ही लिक्विड बन जाए क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था इन्होंने एटमॉस्फेयर से। तो इट डेलिक्विसेस। नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वॉटर। ये वॉटर में सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। ये वॉटर में तो सॉल्युबल है लेकिन एल्कोहल में ये इनसॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो सोडियम सॉल्ट बिकम्स एनहाइड्रस ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, एनहाइड्रस हो जाता है वो जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर करते हैं। एंड स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग इनटू सल्फर। पहले सल्फर में ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होंगे, फिर सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फेट में ये डिकम्पोज हो जाएंगे। नेक्स्ट, इट इज नोन एज हाइपो इन द लैंग्वेज ऑफ फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी जो फिल्म्स होती हैं उनमें भी ये यूज किए जाते हैं या फिर वहां भी इनका थोड़ा यूज होता है और वहां से क्या हाइपो वर्ड आया। इट इज यूज फॉर फिक्सिंग फोटोग्राफिक निगेटिव। जो पहले फोटोग्राफ खींची जाती थी तो ब्लैक कलर की एक निगेटिव होती थी, उसमें क्या वो रील जैसे बोलते थे, तो वही क्या होती है वहां उनको फिक्स करने के लिए, उनमें अगर कोई कमियां है तो वहां उनको फिक्स करने के लिए ये यूज किए जाते हैं।
एंड प्रिंट्स और प्रिंट्स को ड्यू टू इट्स सॉल्वेंट एक्शन ऑन सिल्वर हैलाइड्स, क्योंकि इनका सिल्वर हैलाइड्स पे क्या होता है, इनका एक्शन होता है, तो ये वहां पे सॉल्वेंट के जैसा भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन, इट्स एल्कलाइन सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल, इसका जो एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है वो क्या, वो मोर स्टेबल होता है। हेंस इफ अ सॉल्यूशन इज टू बी स्टोर्ड फॉर मोर टाइम, अगर किसी सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को, इससे बने हुए सॉल्यूशन को ज्यादा टाइम तक के लिए रखना है, तो क्या उसमें सोडियम कार्बोनेट या फिर बोरेक्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये भी बेस है Na2CO3, और बोरेक्स ये भी क्या है, बेस होता है, तो ये आप उसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर के हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, और बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा स्टेबल है तो वो देर तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ ये क्या करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसके सॉल्यूशन के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, विच ग्रेजुअली चेंजेस टू येलो ब्राउन एंड ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड्स। ये क्या करेंगे, किसी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसको होते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो कि क्या हो जाती है, अपने आप ही धीरे धीरे चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी, पहले येलो कलर में आएगी, फिर ब्राउन में, और फिर ब्लैक फॉर्म करेगी, ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो यहां देखिए H2O3 ये क्या है आपका, सोडियम थायल सल्फेट है, यहाँ पे क्या हमने सिर्फ जैसे क्या आयनिक फॉर्म में हमने लिखा है सीधे, तो क्या सिल्वर अगर इसमें से सोडियम हटा दीजिए और यहां से NO3 प्लस NO3 माइनस और Na+ हम हटा दिए हैं, तो क्या थायोसल्फेट जब सिल्वर आयन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां माइनस साथ लिख लीजिए, तो ये क्या होगा, ये बनाया क्या, प्रेसिपिटेट बनाएगा सिल्वर सल्फाइड का। उसके बाद यही सिल्वर सल्फाइड होता है ये वॉटर के प्रेजेंस में धीरे धीरे आकर के क्या बनाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा और साथ में एसिड बना लेता है। तो यही धीरे धीरे क्या ग्रेजुअल चेंज हुआ, और इसका ये जो था ये क्या था, ये लेट से कलरलेस था, इसमें कोई कलर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होते होते उसको आप जब रख देंगे तो क्या ये ब्लैक पीपीटी बन जाएगी, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेगा। नेक्स्ट, अब अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो क्या इट इज यूज्ड एज एंटीडोट, ये क्या एंटीडोट के जैसा यूज करते हैं, मींस ये किसी ड्रग, अदर ड्रग या फिर किसी अलग कोई और एक कंपाउंड था उसको अपोजिट ये काम करते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। तो इट इज यूज्ड एज एंटीडोट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, जैसे कोई बंदा साइनाइड ले लेता है या फिर साइनाइड पॉइजनिंग जब होती है तो वहां पे क्या ये यूज किए जाते हैं एंटीडोट, मतलब उस साइनाइड पॉइजनिंग को सप्रेस करने के लिए या फिर उसके एक्शन, साइनाइड के एक्शन को रोकने के लिए वहां पे ये एंटीडोट जैसे यूज होते हैं। इट मे बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद एसिड टू ट्रीट डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये क्या होंगे एसिड्स के साथ में यूज किए जाते हैं डर्मेटोलॉजिकल, मतलब स्किन के प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने के लिए या फिर स्किन की प्रिपरेशन में भी ये यूज होते हैं। अब एसिड्स के साथ मींस क्या बोरिक एसिड हो सकता है आपका, या फिर सैलिसिलिक एसिड के साथ ये यूज किए जा सकते हैं, क्या सैलिसिलिक एसिड के साथ ये क्या होंगे यूज में आ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या इट्स यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, इनका यूज एंटीऑक्सीडेंट के जैसा इज लिमिटेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग आयोडाइड्स, ऐसे सॉल्यूशन जहां आयोडाइड्स होते हैं, आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स इनका यूज बहुत ही कम होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। और इट एक्ट्स एज फिक्सचर इन फोटोग्राफी, हमने बात किया फोटोग्राफी फिक्सेशन में यूज होते हैं, एंड एज एंटी क्लोर इन ब्लीचिंग प्रोसेसेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंटी क्लोर क्या होते हैं, जब आप किसी सरफेस को ब्लीच करते हैं तो उस ब्लीच में लेट से आपने ब्लीच कर लिया है लेकिन फिर भी वहां पे क्या होंगे, वहां पे फिर भी अभी क्लोरीन तो होगा ही होगा, तो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए हम एंटी क्लोर का यूज करते हैं कि बस अब हो गया भाई, जितना साफ करना तो कर लिया आपने, अब शांत हो जाइए। तो ये एक तरह से उसका गुस्सा शांत करने के लिए क्या यूज किए गए हैं, तो ये एंटी क्लोर के जैसे यूज करते हैं। एंटी क्लोर मतलब जो क्लोर के अगेंस्ट काम करे, और क्लोर क्या है, क्लोरीन, तो एंटी क्लोर मतलब जो ब्लीचिंग को रोके, सप्रेस करें, तो एंटी क्लोर के जैसे भी ये
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों की जो भी जहां भी बात आती है तो कपड़े में ही तो ब्लीचिंग यूज किया जाता है ना। जब वो फर्स्ट टाइम वॉश किए जाते हैं कपड़े तो वहां ब्लीच तो किया ही जाता है, तो वहां पे यूज किए जाते हैं क्या एंटी क्लोर ब्लीचिंग को अब रोकने के लिए। इट इज वाइडली यूज एज स्टैंडर्ड एनालिटिकल केमिकल, ये एनालिसिस केमिकल के तौर पर बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत ही इनका यूज काफी ज्यादा है। स्टोरेज की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ठंडे प्लेस पे, ड्राई सूखे वेल वेंटिलेटेड एरिया, ऐसी जगह पे जहां पे वेंटिलेशन काफी अच्छा हो, मतलब हवा आसानी से आर पार आ जा रही हो, आसपास हो रही हो। अवे फ्रॉम एसिड या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से दूर और एसिड से दूर इनको रखा जाता है, क्योंकि ये उनके साथ करेंगे कोई रिएक्शन कर लेंगे और वो हमारा खराब हो जाएगा प्रिपरेशन। इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें अगर तो इट इज इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक आयोडीन, ये आयोडीन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडीन के साथ नहीं रखे जाते और उनसे दूर ही रहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सोडियम नाइट्राइड की, हम क्या बात करते हैं सोडियम नाइट्राइड की। सोडियम नाइट्राइड मतलब NaNO2 और सोडियम नाइट्रेट का मतलब NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम नाइट्राइड का मतलब होता है NaNO2, तो इसको और क्या नाम से बोलते हैं हम, नाइट्रस एसिड या सोडियम सॉल्ट भी बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। ओके नेक्स्ट, द नाइट्राइड आयन है द केमिकल फॉर्मूला NO2-, NO2- इसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसी के साथ जब हम क्या बना लेते हैं सोडियम एड करेंगे तो NaNO2 बन जाएगा, ये NaNO2 नाइट्राइड, मोस्टली सोडियम नाइट्राइड, इसको हम सोडियम नाइट्राइड ही होता है क्योंकि ये वैसे ही यूज सोडियम इसमें ऐड होता है, इज वाइडली यूज थ्रू आउट केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल से भी और फार्मास्यूटिकल से भी ये NaNO2 के ही जैसे यूज होता है। नाइट्राइड एनायन इज परसेसिव, क्या है ये परवेसिव इंटरमीडिएट इन द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, ये क्या होता है इंटरमीडिएट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल में, सोडियम नाइट्राइड जो होता है या फिर नाइट्राइड जो होता है ये इंटरमीडिएट स्टेप में वहां भी आता है। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है NaNO2 होता है, इसका मॉलिकुलर वेट 68.99 ग्राम पर मोल होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा आपको सोडियम नाइट्राइड मिलता है और साथ में ऑक्सीजन रिमूव होती है और क्या बना आपको सोडियम नाइट्राइड मिलता है। इट इज मोर कन्वीनियंटली मेड बाय हीटिंग नाइट्रेट विद मेटलिक लेड, मेटलिक लेड मतलब किसी मेटल और लेड का क्या करें आप जो मेटल होता है उसके लेड के साथ मेटल लेड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे ये देखिए सोडियम नाइट्रेट है इसको जब आप किसी मेटेलिक लेड मतलब लेड है और ये मेटेलिक होता है पीवी होता है इसके साथ आप जब क्या रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा लेड ऑक्साइड बनेगा पीवीओ और साथ में क्या सोडियम नाइट्राइड बनता है। नाउ सोडियम नाइट्राइड इज ऑब्टेन्ड बाय एब्जॉर्बिंग द गैस रिजल्टिंग फ्रॉम द कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, एक और प्रिपरेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्राइड हमको मिलता है जब हम क्या करते हैं कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया की इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में एने जब हम अमोनिया की किसकी अमोनिया की क्या करते हैं कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया का, वहां भी क्या मिलता है हमको वहां हमको सोडियम नाइट्राइड मिलता है। यहां देखिए ये क्या है अमोनिया है, इसका आपने क्या किया है ऑक्सीडेशन कराया है किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिला यहां मिला आपको एनओ और साथ में क्या H2O मिला। अब जब इसी एनओ को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ फिर से फर्दर ट्रीट कराते हैं तो क्या मिलता है आपको सोडियम नाइट्राइड मिलता है और साथ में CO2 गैस निकलती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हैं तो इट अकर्स एज ऑर्डरलेस, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कलरलेस कोई कलर नहीं होता, या फिर स्लाइटली येलो क्रिस्टल्स, स्लाइटली येलो कलर का हो सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, व्हाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के जैसे पाउडर होते हैं, या तो व्हाइट होंगे या तो स्लाइटली येलो, वही जैसे ऊपर अभी देखें। इट हैज माइल्ड सलाइन टेस्ट, इनका हल्का सलाइन टेस्ट होता है, नमकीन टेस्ट होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.168 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है 2.168, और इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल। एल्कोहल में ये काफी स्पेरिंगली मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में क्या होते हैं ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। When exposed to the atmosphere, जब ये एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं मीन्स नॉर्मल एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इट डेलिक्विसेस एंड इट स्लोली ऑक्सीडाइज टू सोडियम नाइट्रेट। ये जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये फिर से क्या होंगे, डेलिक्विसेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें अब तो सोडियम नाइट्राइड इज डिकम्पोज होता है ये डाइल्यूट एसिड से विद द इवोल्यूशन ऑफ पेल ब्राउन फ्यूम्स। क्या होता है, पेल ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ द लिबरेटेड नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड इससे निकल रहा होता है वो क्या होता है, इनस्टेबल होता है, इस वजह से क्या होता है वो बनाते हैं क्या, ब्राउन फ्यूम्स बना लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्राइड है, ये किसी किसके साथ, एसिड के साथ जब आप डिकम्पोज किया, डाइल्यूट एसिड है, यहाँ जस्ट हो रहा क्या है, डाइल्यूट हो क्या है, डाइल्यूट एसिड है, उसके साथ ये जब बना तो क्या बनाया, Na2SO4 बनाया, उसके बाद क्या बना, HNO3, ये भी एसिड बना। अब इसी HNO3 को जब HNO2 आया, इसी HNO2 को आप, ये HNO2 क्या है, वाटर, और NO नाइट्रस क्या है, नाइट्रस एसिड, इसी के साथ क्या है बना हुआ था, HNO3 क्या है, HNO2 क्या था, वाटर और 2 moles ऑफ NO नाइट्रस एसिड का ही प्लस HNO3 का मिक्सर, ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू गिव नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 moles ऑफ NO प्लस ऑक्सीजन जब आपने मिलाया तो क्या मिला आपको, तो आपको मिला क्या, नाइट्राइड मिलता है, क्या मिला आपको, नाइट्राइड, ये क्या है, नाइट्राइड है। 2 moles ऑफ जब नाइट्रिक ऑक्साइड को वाटर के साथ आप फिर से ट्रीट कराए तो क्या मिला, नाइट्राइड मिलता है। नेक्स्ट इसके यूजेस की अगर आप बात करते हैं तो इसका यूजेस क्या है, मेडिसिनली इट इज यूज्ड एज एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, ये भी क्या, साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट की जैसे यूज करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, साइनाइड की एक्टिविटी को साइनाइड के पॉइजन पे रोकेगा। यूज्ड एज एंटी रस्ट एजेंट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, एंटी रस्ट, उसमें क्या, रस्टिंग को प्रिवेंट करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ये दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको सॉल्यूशन बनाया और आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उनको डिप किया या फिर वॉश किया एक बारी, तो क्या हुआ, वो एंटी रस्ट के जैसा काम करेगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी, उसमें क्या, वो जो क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यू आ जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, वो नहीं होने पाएगा। इट ऑल्सो हैज वैसोडायलेटर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये क्या करते हैं, वैसोडायलेटर मीन्स वेसल्स को डायलेट करते हैं, वेसल्स को अगर ये डायलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तो इनका क्या होता है, वैसोडाइलेशन इफेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इट ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव इन फूड, ये फूड में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। इट इज यूज इन सोल्यूशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट्स, ये डिसइनफेक्टेंट के सोल्यूशन में भी यूज किए जाते हैं। स्टोरेज की बात करें अगर तो स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर्स, ये क्या होते हैं, टाइट कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कैफीन, सिट्रेट, एसिटामाइड, फेनाजोन एंड मॉर्फिन, इनके साथ ये क्या है, इनकम्पेटिबल होते हैं क्योंकि ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ओके नेक्स्ट अब बात करें अगर लास्ट है हमारा क्या, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, और वो क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 79% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसका जो है एटमॉस्फेयर में 79% क्या है, नाइट्रोजन ही है। फ्री नाइट्रोजन इज फाउंड इन सम नेचुरल वाटर्स, कुछ नेचुरल वाटर्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन होती है। इट ऑल्सो अकर्स इन कंबाइंड स्टेट एज नाइट्रेट डिपॉजिट्स एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यू एंड लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एल्कलॉइड्स एक्सेट्रा, ये कुछ प्रोटीन्स में भी और टिश्यूज लिक्विड्स उनमें भी ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब इसका फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिकुलर फॉर्म में होती है ये, N2 के फॉर्म में होती है। मॉलिकुलर वेट इसका कितना, 28 ग्राम होता है पर मोल।
ओके इसके अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एटमॉस्फेयर से ही निकाली जाती है। तो क्या होता है कि जो ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करते हैं आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। उसके बाद सिलेंडर्स में इसको क्या करते हैं आप, स्टोर करते हैं। वो सिलेंडर्स में क्या होता है, जो सिलेंडर होता है, लेट से ये कोई एक सिलेंडर है, तो यहाँ आप देखें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतने पोर्शन को हेड या फिर इसको बोले सॉरी इसको शोल्डर और नेक पोर्शन आप बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लैक और क्या होगा, ब्लैक और ग्रे कलर में क्या होगा, इसमें कलरिंग की जाती है। यहाँ पे क्या, इसको नेक और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे और ये पोर्शन में क्या, ब्लैक ग्रे और ब्लैक कलर से आप इसको क्या करेंगे, ब्लैक और ग्रे कलर से कलर करेंगे। एंड नेम हम पेंट करते हैं इनडेलिबली, इनडेलिबली का मतलब होता है कि जो कि मिट ना पाए। एक बार आपने अगर उसमें लिख दिया है तो ऐसा नहीं कि सिलेंडर यहां से वहां जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें से क्या हो रहा है, उस नाम ही धीरे धीरे करके मिट गया या फिर रब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा लिखा जाता है कि वो मिटने ना पाए, तो उसी सिलेंडर में उसका नाम लिखते हैं। ऐसा उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, जैसे हमने प्रिपेयर किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और उसके बाद सिलेंडर्स में उसको फिल कर दिया। नेक्स्ट इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अगर, तो इट इज कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है। ये इनके पास ना ही तो कोई कलर है, ना ही तो ऑर्डर है और ना ही टेस्ट है। इट इज नॉन फ्लेमेबल, ये क्या है, ज्वलनशील नहीं है, इनमें क्या आग नहीं लगती है, इनसे कारण आग नहीं पकड़ती है। नेक्स्ट दिस गैस इज नॉट पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है। भाई अगर पॉइजनस होती, हमने कहा हमारे एटमॉस्फेयर में 79% है ये, तो अगर ये पॉइजनस होती तो अब तक तो कोई बचता ही नहीं। तो इट इज नॉन पॉइजनस बट डज नॉट सपोर्ट एनिमल लाइफ और कम्बशन। हाँ पॉइजनस नहीं है, लेकिन इससे हमको क्या फायदे भी नहीं हो रहे, क्योंकि इससे कारण लाइफ नहीं है, लाइफ ऑक्सीजन के कारण है, तो क्या है ये लाइफ सपोर्ट नहीं करती है और कम्बशन को भी सपोर्ट नहीं करती है, मीन्स फायर भी नहीं लगती है इसके कारण। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है मतलब हल्की सी सॉल्युबल है। इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, ये क्या है, हल्की होती है। ऐसे कहते हैं ना बाइक वगैरह फिर टायर्स में नाइट्रोजन गैस भराई है, क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है, नाइट्रोजन हल्की होती है और कूल होती है, ठंडी भी होती है ये। ओके तो ये क्या है, लाइटर देन एयर, एयर से ये हल्की होती है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट गैस, ये क्या इनर्ट गैस है, इसमें कोई भी जल्दी रिएक्शन नहीं होते हैं, रिएक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। इट विल नाइदर बर्न नॉर सपोर्ट द कम्बशन ऑफ ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल्स, ये ना तो बर्न होती है खुद में और ना ही तो किसी और को जलने के लिए प्रेरित करती है एक तरह से। इट एट हाई टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर जब हाई होता है, एट हाई टेम्परेचर इट कम्बाइन्स डायरेक्टली विद, हाई टेम्परेचर पे डायरेक्ट कंबाइन करती है लिथियम के साथ, बेरिलियम के साथ, सिलिकॉन, बेरियम, कार्बन और एसआर मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम और मैग्नीशियम के साथ क्या करती है, नाइट्राइड्स बनाती है, बट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब अगर यूजेस की बात करें, इसके यूजेस की बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज इन फूड फ्रीजिंग प्रोसेस, फूड क्या होता है फ्रीज करने के लिए, क्योंकि ये कूल होती है तो क्या ये फूड फ्रीजिंग प्रोसेस में यूज की जाती है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया मैन्युफैक्चर में, क्योंकि NH3 होता है वहां पे अमोनिया फॉर्मूला और उसमें क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन और साइनाइड, से तीनों के फॉर्मेशन के लिए यूज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज इन क्रायोस्कोपिक सर्जरी, क्रायोस्कोपिक मतलब ऐसी सर्जरी जो ठंडियों में प्लेस, मतलब ठंडे इन्वायरमेंट में हो, जैसे किसी ट्यूमर वगैरह जब निकाले जाते हैं या फिर ट्यूमर की सर्जरी होती है तो वहां पर टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, तो क्रायोस्कोपिक सर्जरी में या फिर कैंसर ट्रीटमेंट में ये क्या होती है यूज किया जाती है। नाइट्रोजन इज फिल्ड इन पैकेट्स टू प्रिवेंट क्या रेंसिडिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं या फिर कोई भी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं तो वहां पे भी क्या होता है नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, क्योंकि इसके कारण वो फूड क्या होते हैं खराब होने से बचते हैं, उनको खराब होने से ये रोकती है, उनको टेस्ट या फिर किसी और चीज में खराब होने से। नाइट्रोजन इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंपाउंड दैट आर हाईली प्रोन टू ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है ये उन कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करती है जिनमें ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या होती है उनको भी ऑक्सीडेशन होने से रोकती है।
डाइल्यूएंट्स फॉर ऑक्सीजन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट। ये क्या होता है, ये जो होता है थोड़ा उन जो पेशेंट्स में आपने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल होता है वहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, तो ये क्या करती है उसी ऑक्सीजन को साथ ये दी जाती है, क्योंकि प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है उन पेशेंट्स के लिए। तो ये क्या होती है, उन ऑक्सीजन को पहले नाइट्रोजन के साथ हम डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं उन पेशेंट्स को। तो ऑक्सीजन को हम डाइल्यूट करने हैं पेशेंट्स को देने से पहले एज कूलेंट इन लैबोरेटरी, ये लैबोरेटरी में कूलेंट के जैसे भी यूज की जाती है। अब स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन इज स्टोर्ड इन कंटेनर्स विद लूज फिटिंग्स लिड्स। ये क्या होती है, ये ऐसे कंटेनर्स में पैक की जाती है, कंटेनर जिनका क्या लूज फिटिंग लिड्स जो कि कभी सील ना हो, नेवर सील लिक्विड नाइट्रोजन इन अ कंटेनर जो कि क्या सीलेबल नहीं है, कंटेनर्स वो लूज फिटिंग्स ही होते हैं, उनमें क्या होते हैं ऊपर नोजल जैसा होता है, उनसे आप वापस से नाइट्रोजन क्या बाहर निकाल सकते हैं। एट टाइटली सील्ड कंटेनर, टाइटली सील्ड क्या होता है, अगर आप उसको टाइटली सील कर देंगे तो उसमें क्या प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा एज लिक्विड बॉयल्स एंड मे एक्सप्लोड आफ्टर शॉर्ट टाइम। क्या होगा अगर आप इसको टाइटली कंटेनर में क्या करेंगे पैक कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड अगर बॉयल हुआ थोड़ा गर्मी के कारण तो उसको क्या उसको जगह मिलेगी नहीं, तो अंदर ही क्या वो गैस बनते बनते वो ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या लूज फिटिंग्स में पैक करते हैं। नेक्स्ट इनकम्पेटिबिलिटी, तो ये किसके साथ इनकम्पेटिबल है, किसके साथ ये रहना पसंद नहीं करता है, कौन इसके दुश्मन है, तो उसमें हम बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेमिनेटेड विद ऑक्सीजन में प्रेजेंट द सेम हजार्ड्स एज लिक्विड ऑक्सीजन एंड कुड रिएक्ट वायलेंटली विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ये कंटेमिनेट ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगी कंटेमिनेट हो जाएगी, खराब होगी और जो होगी ये क्या हजार्डस हो सकती है लिक्विड ऑक्सीजन, और क्या करती है ये वॉयलेंट हो जाती है, वॉयलेंटली किसी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ भी क्या ये कंपेटिबल नहीं है, और ऑयल और ग्रीस सच एज ऑयल और ग्रीस के साथ ही क्या होती है नाइट्रोजन इनकम्पेटिबल होती है, इनके साथ भी इनकम्पेटिबल होती है। ओके, तो ये था हमारी आज की क्लास, ये था हमारा आज का जो हमने ऑफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ना था, इतने एंटीऑक्सीडेंट हमारे सिलेबस में हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और हमने जो पढ़ा क्या वो आज हमारे लिए यूजफुल था, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए आज आपकी क्लास लेने के बाद, और देखिए कि क्या आपसे ये चीजें इन क्वेश्चंस कहीं बाहर से हैं या फिर हमने जो पढ़ा सिर्फ इसी में से हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा उनसे रिलेटेड जो जो एग्जाम में आते हैं, उनमें सबसे पहले हम अगर डिस्कस करना शुरू करें तो पहला प्रोवाइड अ कंप्लीट नोट ऑन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सबसे पहला ही हमने पढ़ा था पहली स्लाइड में हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होते हैं, H3PO2, उसके बारे में आपको पूरी जो जो आपको पता है सब कुछ यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज प्यूरिटी टेस्ट यूजेस एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की, आपको कंप्लीट जो जो आपने पढ़ा उसमें से आप क्या क्या पढ़े, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े उसके बारे में पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्यूरिटी टेस्ट सब कुछ आपको क्या यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट गिव अ कंप्लीट नोट ऑन सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, उसके बारे में आपको क्या करना है सब कुछ आपको कंप्लीट नोट बतानी है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन किसमें किसमें मोस्ट फोकस करना है आपको लिखते समय, प्रिपरेशन कैसे आपने उसको बनाया, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में। नेक्स्ट प्रोवाइड अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको शॉर्ट नोट्स बतानी है किसमें किसमें, सोडियम नाइट्राइल में, सोडियम नाइट्राइट है ये, सोडियम नाइट्राइट क्या होता है और नाइट्रोजन गैस पे, तो सोडियम नाइट्राइट आपने पढ़ा है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रोजन गैस पे क्या शॉर्ट नोट आप बताइए। Give complete note on sodium metabisulfite. अभी क्या आ गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आ गया, तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड
यूजेस क्या होती हैं उसके बारे में आप बताइए। एंड लास्ट व्हाट इज सोडियम थायोल, सोडियम थायोल क्या है या फिर आप कहें सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोल एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड प्रॉपर्टी यूजेस एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इसको क्या सोडियम थायोसल्फेट आप बोल सकते हैं, ये क्या है, ये है सोडियम थायो सल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट। तो इसके बारे में आप बताइए, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा और देखा है। तो ये थी आज की क्लास और यहां से हमारा ये चैप्टर ये यूनिट भी क्या हुआ अभी खत्म हो गया और ये लास्ट था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप जो भी हो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज 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 आप कमेंट कीजिए, आप चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।